स्वागत है आप सभी का हिमवंत जीके में। तो हम देखेंगे आगामी वीडियो जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उत्तराखंड का, उससे संबंधित हम टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं। हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सब कुछ जानने वाला के लिए एक शब्द होगा, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा सर्वज्ञ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 5 करना, तो 3 5 करने का हो जाएगा टाल मटोल करना। आगे है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई, तो केंद्रीय निदेशालय की स्थापना होती है 1960 में, याद ध्यान देना है। कौन सा उपसर्ग रहित है, तो जिसमें उपसर्ग नहीं है तो आपने बताना है, तो वो हो जाएगा त्र्यंबकम। तो इसका आंसर हो जाएगा त्र्यंबकम। आगे है, वे तुम सम तुम उन सम स्वामी, तो इसमें क्या हो जाएगा अलंकार, तो इसमें अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार। आगे बढ़ते हैं, कपित का तद्भव शब्द है, कपित का तद्भव क्या हुआ, तो कपित का जो तद्भव शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा कैया, यानी ध्यान देना है। धूसर का पर्याय है, धूसर का पर्याय है, तो धूसर का पर्याय हो जाएगा गर्दभ, आपने ध्यान देना है। आगे बात करते हैं कि सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, इसमें वाच्य का कौन सा प्रकार है, सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, तो इसमें हो जाएगा क्रमवाच्य, यह आपने ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसका जो शुद्ध हो जाएगा वो हो जाएगा जाज्य जो लियमान, आपने ध्यान रखना है। ये तद्भव चबूतरा का तत्सम है, तो चबूतरा का तत्सम हो जाएगा चतवाल। आगे बढ़ते हैं, न्यून का संधि विच्छेद, तो न्यून का संधि विच्छेद हो जाएगा नी प्लस ऊन। आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो ये दिया गया था हिम तरंगनी के लिए, ये आपने ध्यान देना है। आगे है, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता, वो हो जाएगा कर्तव्य। उद्धत का विलोम क्या होगा, तो उद्धत का विलोम हो जाएगा विनीत, आपने ध्यान रखना। बघेली बोली का संबंध, तो बघेली जो है ये हो जाएगी आपकी पूर्वी हिंदी। आगे बढ़ते हैं, प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है, तो लौ हो जाएगी पार्श्विक ध्वनि है। सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। उत्कर्ष का विशेषण हो जाएगा उत्कीर्ण, या हमें ध्यान देना है, नहीं माफ कीजिएगा उत्कीर्ण नहीं उत्कृष्ट होता है उत्कर्ष का विशेषण। कानन कुसुम के कवि, तो जयशंकर प्रसाद होंगे। कुछ किस प्रकार का सर्वनाम, तो कुछ हो जाएगा आपका, तो कुछ हो जाएगा आपका अनिश्चय वाचक। तो ये थे आज के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। अगले टेस्ट सीरीज में हम आपसे मिलते हैं उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चन से, तब तक के लिए धन्यवाद।